Hi guys, welcome back to the channel. This is Keshav from Dr. Behind the Scenes. Today we have Dr. Anas Ali with us. He cleared his FMG in December 2021 in his very first attempt and currently doing his internship in MAMC Delhi, that is Maulana Azad Medical College, Delhi. So hi bhaiya, kaise ho? I'm good. What about you, Keshav? Abhi to badhiya, just waiting for documentation and waiting for internship. Baki, how's your internship going in? I mean, very good and hectic also. मतलब किस टाइप की हेक्टिक है? मतलब वहां का मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में हॉस्पिटल्स में काफी वो होता है कि सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर्स को ऐसे वो करते हैं, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब मैंने कुछ फेस नहीं करा ऐसा, अच्छा बट जाने से पहले ऐसा मैंने सुना था कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम फेस होगा बाय पीजी और सीनियर, बट ऐसा कुछ नहीं, काफी कोऑपरेटिव है काफी कॉपरेटिव है। और और हाँ अभी एक्सपोजर कैसा है दिल्ली का? तो एक्सपोजर मैंने सुना है कि दिल्ली एक्सपोजर इज वेरी गुड, मतलब हाँ हेक्टिक उसी केस में, मतलब टाइम पीरियड ज्यादा रहता है, ठीक है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं और संडे वनडे कोई ऑफ नहीं है, तो सातों दिन वर्किंग फुल ईयर इज फुल वर्किंग। हाँ पूरा, मतलब कुछ टाइम फिक्स नहीं है, सुबह का फिक्स है 8 बजे से पहले जाना है, नहीं, नॉट इवन शाम सैटरडे चार संडे पाँच ब्रेक छः एंड नॉट नहीं इवन नहीं हॉस्पिटल है नहीं नॉट तो इवन ये नॉर्मल जो हॉलीडेज होते हैं, दिवाली होली ये सब, नहीं 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 सो नो ब्रेक्स एट नहीं ऑल, पूरा है नो विषय काम। ब्रेक्स, मतलब हाँ मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक बट है ठीक, हाँ मज़ा तो आ रहा है, तो ऐसा एक कुछ नहीं है, अराउंड कोई जो प्रॉब्लम नहीं ड्यूटी होती है होती। वो कैसी होती है, मतलब कितने बजे स्टार्ट होती है और कितने बजे अराउंड खत्म होती है आपकी? डिपार्टमेंट के ऊपर है, जैसे मॉर्निंग 9 AM से ओपीडी होता है, तो आपको 8:30 8:45 तक रिपोर्ट करना है, और ओपीडी रहती है मतलब क्या कहते हैं 1 बजे तक, फिर लंच ब्रेक रहता है 1 to 2 या 1:30 से 2, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ काम रहता है, वार्ड में रहता है काम या दोबारा कुछ अलग ओपीडी लगती है, तो मिनिमम 4 बज जाते हैं ये ऐसा, नॉर्मल ये वाला था जो बाकी मेडिसिन, और नॉर्मल है। व्हाट अबाउट मेडिसिन मेडिसिन सर्जरी? में तो बहुत काम है, होता है ऐसा मतलब हर तीसरे दिन के बाद आपको 24 आवर्स हर थर्ड मेडिसिन डे में लगाना है, तो आफ्टर हाँ 24 आवर्स मतलब ब्रेक होता है सब कि वो डिपार्टमेंट नहीं, सारे मेडिसिन में ऐसे ही सर्जरी ड्यूटी में, होती है? हाँ? मैं कह रहा हूँ आफ्टर थर्ड मेडिसिन डे, सर्जरी कैजुअलिटी में ऐसा रहता है तो आफ्टर थर्ड आपका डे जो 24 आवर्स ड्यूटी है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, सो नेक्स्ट डे विल ओपीडी बी अ रहता है, ब्रेक, पोस्ट और ड्यूटी ऑफ रहती जैसे पोस्ट ड्यूटी ऑफ वन डे रहता है ना। है, हाँ वो मिलेगा आपको चलो कुछ तो मिल रहा है। ओके हाँ बस वो तो सोच सकता है बंदा, मतलब मजा आ रहा है ना ओवरऑल? हाँ मजा आ रहा है, काफी चीजें सीख रहे हैं अच्छी हाँ अच्छी और चीजें भी देख रहे हैं कैसे क्या, मतलब फंक्शन कैसे होता है, एक अलग पहले अलग थॉट्स रहते थे मतलब इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले, और मेरा जो था मैं जैसे हमने कोविड टाइम था पूरा, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, यूक्रेन में हाँ वैसे भी मतलब थोड़ा ठीक है जैसा भी रहता है, तो एक मन में थोड़ा डर रहता था कि यार हमने तो कभी कुछ करा नहीं, मेरे भी था मतलब जब मेरा फर्स्ट डे था तो मेरे को जाने चला था यार कोई कुछ बोलेगा, मेरे को तो ढंग से आता नहीं है, तो यार क्या होगा यार मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मैंने चलो ठीक है थ्योरी पढ़ा है बट ये दुनिया अलग है, हॉस्पिटल में एंटर करते हो FMG यूनिट नहीं है आपका, बट ऐसा कुछ आपका नहीं अलग है। नॉलेज, हाँ बट तो मेरे साथ भी वो था, फर्स्ट डे मैं गया था ठीक है, तो अंदर अलग ही हेजिटेशन था अंदर, मतलब यार क्या होने वाला है, कुछ बोल दिया अच्छा कौन सी चीज कौन से बॉक्स में, मतलब वो PSM रहता है ना ब्लू रेड, मैंने गलती की येलो रिसाइकल कौन सा, मतलब इसका हॉस्पिटल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी हाँ चीजों का, नहीं, इसमें तो सिरिंज थ्योरी मेरे की तरह हो, हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना, उसके अंदर तो हाँ इम्पोर्टेंट। वो थ्योरी वो अलग है, वो वहां रह जाती है एग्जाम तक ही है थ्योरी, हॉस्पिटल जाके ना सिनेरियो पूरा अलग है, तो सीरीज ले रहे हो बहुत ध्यान रखना है प्रिक ना हो जाए, हम लोगों ने ठीक है सैंपलिंग किया है बट छोटी छोटी चीजें, बट क्या होता है जब एक बार थोड़ा करा आया फ्लो में आया कंटिन्यू हो रहा है, तो अब होता है कि हाँ नॉर्मल है अब ठीक है, बट मेरे को भी जो पता नहीं और बच्चों को भी लगता होगा, मेरे को ये लगता था कि यार जाने से पहले कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे प्रोसीजर्स, जो छोटे मोटे प्रोसीजर्स रहेंगे हम कर पाएंगे, कैनुला हो गया कैथेटर हो गया, मेरे को रहता था हेजिटेशन अंदर ना, बट अब जा रहा हूँ तो हर थोड़ी प्रकार बहुत, नॉर्मलाइज होता है तो ऐसा है, मतलब तो ये एट सबके द एंड लिए मजा आ रहा है यूजफुल और फायदा मिल ही रहा है ना। फायदा मिल रहा है, और सबके लिए ही अगर मतलब बाय चांस कोई हम सभी लोग है ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल करा है किसी को ज्यादा आता है किसी, सबका अलग अलग है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ मतलब सबको कि आराम से जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सीख के आएगा बंदा इन द एंड है ना, आप कुछ लेके आओगे नॉलेज कुछ ना कुछ कैसे भी हो,
कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाकी अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए कि सीखने वाला अप्रोच रहे। ठीक नहीं है। हाँ एक पता क्या, कब तक आप काम जो यहाँ जाके भी आप भागोगे दूर काम से तो फिर क्या फायदा है क्या ही फायदा, ना, सही बात। ऐसा है। तो ठीक है बंदा है, मतलब 1-1.5-2 महीने में ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार अब मैं थोड़ा थोड़ा सेट होता जा रहा हूँ। ठीक है मतलब लोग भी आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ एमरजेंसी में केस आया हाँ भाई कर देंगे हम, आरटी डाल देंगे, मतलब आ जाएगा अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है बस। बस अब भी मेरे को भी ये मैं होता है कैजुअल्टी में होता हूँ ना तो एकदम से एमरजेंसी आती रहती है, तो पहले क्या होता था मैं देखा पेशेंट आ रखा है दूर बैठ गया कि यार पता नहीं सर क्या बोल देंगे, क्या करना है, आता है नहीं, कैथेटर डालो आगे कि नहीं, अप्रोच क्या अब क्या रहेगा। मसला है, भाग के जाता हूँ मैं कि नहीं, प्रोसीजर कर लोगे आप, कहने का मतलब ये है। सही बात है, पर एंड द डे आपको भी अच्छा लगेगा यार, मतलब कि ठीक है आपने किसी की जान बचा रहे हो, जो भी है सही अच्छा बात, लगेगा, मतलब अच्छी फीलिंग आएगा। हाँ डॉक्टर वाला फीलिंग आ जाएगा, ऐसा सही है। सही सही है। बाकी क्या हाँ कहते हैं, प्रोसीजर थोड़ा इंटर्नशिप का नहीं, थोड़ा सा हार्ड वो रहता प्रोसीजर जैसे ये क्या कहते हैं, लाइक यू क्लियर योर FMG इन दिसंबर 2021 है। 21 एंड यू गॉट योर 22 इंटर्नशिप इन दिसंबर 2022, अराउंड दिसंबर 2022, हाँ राइट? सो नवंबर, हाँ अराउंड 1 ईयर का वेट था। सो व्हाट डू यू इलेवन थिंक मंथ्स वाज का द वेट। रीजन? और आप सिर्फ दिल्ली का वेट कर रहे थे कि दिल्ली मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगी, घर यहीं पे, नहीं बिकॉज यू एक्चुअली लिव दिल्ली ओनली, राइट? तो दिल्ली मिल जाए तो बेस्ट है, कहीं जाना ना पड़े, या फिर व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज द रीजन इस जो ये वेट टाइम था? रीजन क्योंकि ये था, रीजन ये था एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आई थी जो कि 21 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। मतलब तो प्रॉब्लम ये हुआ था, सब नए रूल्स आ गए थे, पहले इंटरव्यू होते थे, हॉस्पिटल का लिस्ट आता था, आप जाओगे इंटरव्यू दोगे और आपको मिल जाएगा। तो वैकेंसी वैकेंसी मतलब इंटर्नशिप की जो फॉर्म्स आते रहते थे मार्च से स्टार्ट होते थे, मार्च अप्रैल मई जून में आते रहते थे, पर 22 में जो नया रूल आया वो दिल्ली में लेट हो गया, एप्लीकेशन उन्होंने करा नवंबर में आके हुआ है, तो उन्होंने ही 11 महीने लगा दिए डीएमसी ने। ठीक है अच्छा। और बीच में क्या हुआ, दो हॉस्पिटल आरएमएल हिंदू राव और ईएसआई, तीन ही हॉस्पिटल के सिर्फ वो आई थी वैकेंसी की इंटर्नशिप के लिए हैं, बाकी हॉस्पिटल इस बार फॉर्म ही नहीं निकाले। तो उसके चक्कर में हम लोग वेट करते रह गए कि अब फॉर्म आएंगे, अब फॉर्म्स आएंगे, अब वैकेंसी आएगी, अब पोस्ट कुछ कुछ आएगा, वेट करते 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 देखा कि 11 महीने हो गए। बाकी फिर और स्टेट्स के लिए भी लेट हो गए, आप जैसे वेट कर रहे थे अपनी स्टेट के लिए, होता क्या है मतलब आप सोचते हो कि यार 4 महीने कर लिया, अब यार इतने तो कर ही लिया वेट, चलो 1 महीना और सही यहीं तो मिल बाकी जाएगा। अप्लाई करते भी लेट हो गया फिर, हाँ 5 हुआ 6 हुआ ऐसे करते करते वो टाइम पीरियड स्ट्रेच हो गया 11 महीने में, गैर ये रहता है मतलब हमारे जो अभी स्टार्ट हुआ बैच उनका जर्नी एंड और एंड टेंशन। फॉर योर बैच जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन है, इज इट 1 ईयर और 2 ईयर? बिकॉज फॉर अस आई थिंक अभी हाई प्रोबेबिलिटीज 2 ईयर्स, हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी टू आपका ईयर्स तो फॉर टू बैच के इयर्स लिए ही है क्योंकि स्टार्ट हुआ मेंशन था रहा है, फॉर बट 2 ईयर्स। हम लोगों का है वो सब है ना स्टेट मेडिकल काउंसिल डिसाइड करेगा आपके पासपोर्ट के वीजा के स्टैम्प के ऊपर। हाँ, बट हमारा तो 2 ईयर ही है ना, क्योंकि हम वॉर में पहले आ आप गए थे। लोगों का, हाँ आप लोगों का प्रॉबेबली 2 ईयर ही होगा भाई, हम हम लोगों का गेम अभी बैक डाउट इन में है। मार्च, सो हमारा हाँ ऑलरेडी स्टैम्प वो मार्च से लेके जून क्योंकि तक का जो जिस बेसिस पे ये कर रहे हैं ना 1 ईयर 2 ईयर वो पासपोर्ट की वीजा स्टैम्प पे ही के बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो जैसे जो है। मेरे भी था अभी डिपेंड्स तक ऑन मैंने पर्सन उन्होंने टू भी पर्सन, करा। अगर इफ आप और आपका कोई दोस्त है, इफ यू आर इन सेम कॉलेज सेम बैच एंड यू केम बैक ना, एंड वो आपका दोस्त नहीं आया, तो उसको इंटर्नशिप 1 साल की लगेगी एंड आपकी 2 साल की हाँ लग ये हुआ है काफी लोगों के साथ, मेरे पास फोटोज भी हैं, तो मेडिकल काउंसिल वालों ने देखा था वीजा जो लोग इंडिया में थे 2021 में स्टार्टिंग जाएगी। में, मतलब 19 में आया था ठीक है 19 दिसंबर में, उसके बाद 2020 में जो इंडिया में थे उन लोगों का अभी से स्टार्ट हो गया। ये खाली आपके बैच के साथ नहीं है, पहले भी जो बच्चे थे मेरे बैच के भी उनको भी 2 ईयर्स करना पड़ रहा है, बट वो मेडिकल काउंसिल डिसाइड कर रहा है, ओके, अभी सो डीएमसी जो है बेसिकली, उन्होंने डिसाइड नहीं करा है। अच्छा, सो बेसिक, अच्छा, आपका अभी डिसाइडेड नहीं है नहीं डीएमसी? मैंने अभी पूछा भी था उनसे, उन्होंने बताया नहीं है, बट एक रीजन एक और है चीज, जैसे मैं जहाँ से इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ पे 1 ईयर की होगी इंटर्नशिप, अगर मेरा 2 साल का हुआ, आपका ही बता रहा हूँ आप लोगों के बैच के लिए भी यही होगा, दिल्ली का मेरे को पता है डीएमसी का ऐसा है, मतलब जैसे अगर आपका बाय चांस 2 ईयर्स का आता है और मौलाना आजाद जैसे कॉलेज में आपको इंटर्नशिप मिलता है, UCMS कोई भी है, वहाँ पे आपकी 1 ईयर ही होगी, 2 ईयर की वो नहीं कराएंगे, बट वन क्या ईयर फिर पता, आपको दूसरे कॉलेज से करनी पड़ेगी, मैंने हाँ पता किया वही, था दूसरे कॉलेज में, कॉलेज में हमें शिफ्ट कर देने, फिर उसमें आपको टाइम लगेगा, दोबारा ढूंढो अप्लाई करो,
उप्स, तो मतलब ये दो हाँ एक्चुअली आपके और हुआ क्या था, स्ट्रेस, मैं उनको हमारा तो हाई बता, चांस इज 2 इयर्स ओनली। क्योंकि बता क्या, जब मैं मौलाना साहब में गया था वो बोले कि उनका उनके कॉलेज जो चल रहा है 50 साल से, 1 साल का इंटर्नशिप होता है इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए, तो मैंने बोला था कि मैं यूक्रेन से, ऐसे से मेरा 2 साल का आप बताओ। उन्होंने बोला अगर 2 साल का होगा भी यहाँ पे नहीं होगा 2 साल का, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है 2 साल का, हम लोग नहीं कराएंगे आपको बिठा के 2 साल, हमारे यहाँ 1 साल की होगी, आपको 1 साल का कम्प्लीशन लेटर दे देंगे हम, उसके बाद आप दूसरे हॉस्पिटल से करके डीएमसी को दिखाते रहना, हमें लेना देना नहीं है। ये उन्होंने मेरे को बोला था जब मैं उनसे पूछने गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप डायरेक्टली, पता नहीं कि आप दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, एमसी हो गया, यूसीएमएस हो गया, ये लोग जिनके कॉलेजेस हैं उनके इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, उनका 1 ईयर का होता है, उनके साथ ही सेम आपका रोस्टर आ जाएगा, तो अच्छा वहाँ पे वो 1 ईयर के लिए लेंगे आपको। अगर आपका 2 ईयर का हो रहा है तो फिर आपको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ेगा, चलो, पहले वरना इंटर्नशिप इसका देंगे, देन उसके सोल्यूशन बाद यही डीएमसी को निकालना निकालना, पड़ेगा क्या या पता डीएमसी डीएमसी कुछ सॉल्यूशन निकाले, निकाले, कुछ ना कुछ ऐसा बट निकाल वो दे। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्होंने मना कर दिया एमएमसी वालों ने, अच्छा, डीएमसी निकाल भी बट देगा, बोले ऐसे ये ही चीज है, होती ही तो नहीं अब है। जस्ट वेटिंग की इंटर्नशिप लग जाए। वैसे मेरे तो चलो देखो अभी मैं एक चीज क्लियर करना डिग्रीज चाहता में हूँ यार, मिनिमम 3 महीने का है ना टाइम पीरियड सबको रखना है, मिनिमम है ठीक है। है। कोई बंदा सोचेगा, बाकी स्टेट्स का नहीं पता, मैं दिल जो अभी जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है ना आपके साथ, वो बेसिकली दिल्ली को लेके ज्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट किया है, और भी स्टेट्स है मतलब नॉर्मल चीज़ें, पर दिल्ली पे ज़्यादा फोकस ले कर रहा हूँ कि मैंने को यहाँ का पता है सब कुछ ठीक है, कैसे खुद ही कैसे क्या वहां है। से भी कर रहे हो ना, खुद ही दिल्ली से हाँ तो दिल्ली मैं से। सबको ये कहना चाहता हूँ, पहले है ना 3 महीने का मिनिमम दिमाग में रखना है कि वेट करना ही करना है। तो अभी क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, 1 वीक बाद ना आपके पास लिंक आएगा हाँ हाँ तो एमबीए ये का। वाले स्टार्ट करते हैं। जैसे रिजल्ट आया हमारा 3 फेब को, ओके, तो थर्ड फेब को, हाँ जी अप्रोक्स अराउंड व्हाट डेट, क्या प्रोसीजर उसके बाद नेक्स्ट होगा? लाइक अभी मेरे जैसे 1 वीक बहुत मान सारे के हैं, चलो तो आप, बोलूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने के वाले हैं? एक तो स्कोर कार्ड आता है कि आपके मार्क्स कितने आए ओके, हैं अराउंड ठीक हाउ है, मच टाइम, वो मतलब कितने टाइम में? 1 वीक के अंदर आ जाता है अच्छा, ओके देन। ठीक है, वो आने वाला होगा उसके 10 दिन बाद, मतलब रिजल्ट से दस हाँ दिन बाद एनबी, आपने वो लॉगिन करा होगा ना, हाँ 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 आपको लिंक आएगा मेल पे या तो एनबीई से, ओके, नेशनल तो बोर्ड एग्जामिनेशन, वहां से मेल ही वहां आ पे सकता है। आपको ना, हाँ वहाँ से आपको अपना डिटेल डालोगे, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा कि इस दिन आपको एक द्वारका में है एनबीई हाँ का हेड ऑफिस, हाँ आई नो, वहाँ तो पे आपको जाना है और आपका पासिंग सर्टिफिकेट लाना है ठीक है। डे एंड टाइम दोनों देते हैं ना, आई थिंक वो, क्या आपको हाँ इस... डे और टाइम, उसी टाइम जाना है आपको। उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसमें भी एक चक्कर ये है, मेरे को इतना पता था, मैंने देखा था पासिंग सर्टिफिकेट एक साथ तो मिलेगा नहीं, डेली 100 बच्चों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इस बार बच्चे भी ज़्यादा हैं भाई, दिन तो इतना रहेगा 24 घंटे का, 8 घंटे वो लोग काम करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है समझ जाओ, वो फास्ट नहीं करेंगे ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है अल्फाबेटिकली आता है समझ रहे हो, तो जैसे किसी का नाम एस से है और वो आउट ऑफ दिल्ली है तो वो ज़्यादा ही वेट कर रहा है, समझ लो उसको 1.5 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा पासिंग सर्टिफिकेट का, हाँ, तो मेरा ऐसा भी भी है है। तो हाँ और अल्फाबेटिक, लास्ट ईयर जितना मेरे को, मैंने पूछा भी था उनसे, अल्फाबेटिकली आया था लास्ट ईयर, ए वालों का क्या हुआ था, मेरा रिजल्ट आया था 29 दिसंबर को, मेरे को पासिंग सर्टिफिकेट मिला था 2 फरवरी को, एक तो महीने आप में, एग्जैक्ट 1 महीने में अराउंड आ गए थे, वरना 1 मंथ एक में। महीने, बट लोग किसी मेरे ही सेम दोस्त को मार्च में भी मिला था मेरे बैच का, उसका नाम बस अल्फाबेट एस था हाँ या वाई था ठीक है, एंड तो ऐसे भी रहता है, तो मिनिमम आप 1.5 महीना मान के चलना है एंड ठीक हमारे है। में तो उसके लिए पासिंग आपको, परसेंटेज भी अराउंड 31 गई है। हाँ तो बच्चे ज्यादा हो गए ना तो और लंबा स्ट्रेच होने वाला है ये पीरियड ठीक है। उसमें है ना आपको, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा ठीक है, अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपको 10th की मार्कशीट, 10th 12th और एक डिग्री हो गई, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सारी वीजा के साथ, हाँ, ये जो आपने डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बताया सर, वही है ना? हाँ जो जो पासिंग सर्टिफिकेट के टाइम आपको लेके जाने, अच्छा, उसमें था टेंथ 10, 10 सेट, ट्वेल्थ 12th। मार्कशीट ठीक है, डिग्री जो है आपकी, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और क्या था एडमिट कार्ड एफएमजीई का आपका, और लास्ट चीज वो उनका स्लिप निकली अपॉइंटमेंट वाली, एडमिट कार्ड भी चाहिए। तो हाँ एडमिट कार्ड और जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एडमिट वाली कार्ड है वो चलेगा ना, निकली। कि दूसरा एडमिट कार्ड जो वहां पे था एग्जाम के ट्राई टाइम? करना वही वाला मिल जाए तो, क्योंकि इनका ना गवर्नमेंट ऑफिशियल है, किसी चीज में भी आपको ढूंढ के रखना है एडमिट कार्ड, फोटो वोटो लगी रहे, सेम फोटो रहे ठीक है, वो चेक करते हैं वेरीफाई होगा, फिंगरप्रिंट आपके वहाँ पे वेरीफाई होंगे, थंबनेल जो भी है सब चीजें, दोबारा से जो चीज आपकी सेंटर पे हुआ था ना
सेम चीज आपकी वहां वाली है, और आपको एक वो भी लेके जाना है अपॉइंटमेंट वाला स्लिप। तो आप अच्छा अपने डे और टाइम के हिसाब से जाना, लेट मत करना। अगर आपने उस दिन मिस कर दिया फिर आपको क्या होता है, एक महीने वेट करना पड़े, देन अगेन वो वेट जिसका करना। अपॉइंटमेंट होगा उसी को एंट्री देंगे। अच्छा ओके, ठीक है, सबको तो दिल्ली आना है, कोई भी किसी भी स्टेट से है ये तो कॉमन सबको फॉर दिल्ली। एवरीवन राइट, जो फुल इंडिया की है हाँ, सेम, ये सेम प्रोसीजर है पूरे दिल्ली टिल में है द्वारका, यहाँ डेट तक मिल सेम जाएगा, टाइम पे प्रोसीजर जाना। हाँ सेम है सबके है। लिए, देन इसके बाद टेंथ नेक्स्ट ट्वेल्थ हो गया, मार्कशीट डिग्री हो गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया, इसको लेके आपकी एंट्री अंदर होगी। 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है, जो चीज़ आपके सेंटर पे चेक हुआ था सब दोबारा चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं सारे। पासपोर्ट प्लीज ले जाना सारी वीजा के साथ, ठीक है, वहाँ पे चेक करके आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपका मेन स्टेप चालू होगा उसके बाद। तो इसमें तो देखो डेढ़ डेढ़ महीना लगने वाला है आपको मिनिमम। ये सब में। हाँ हाँ, उसके बाद मेरा ये कहना है, जैसे मैंने किया था, जैसे ही मेरे को पासिंग सर्टिफिकेट मिला, पीछे कैफे था, मैंने हाथों हाथ ही अप्लाई कर दिया था डीएमसी के लिए। तो ये है कि नेक्स्ट बंदा स्टेप घर इज आए। टू अप्लाई अपने रिस्पेक्टिव मेडिकल काउंसिल में राइट। जैसे मैं दिल्ली, हाँ, मेरा तो फॉर दिल्ली, मेडिकल फॉर दिल्ली काउंसिल, है, वो यस, करना। ये दिल्ली के, उस औरों के लिए भी यही है। बस कुछ क्या कहते हैं उसकी, वो पासिंग सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट अब सारी स्टेट्स मांग रही हैं। पहले क्या होता था, कुछ कुछ स्टेट्स खाली वो लेते थे, क्या बोलते हैं, स्कोर कार्ड, जो कि 1 वीक बाद आता है, अब नहीं ले रहे हैं। अब पासिंग सर्टिफिकेट हर जगह चाहिए, तो ओके उसमें 1.5 महीना लगेगा। तो 1.5 महीने तो आपको वेट करना है, 1 महीना आपका डीएमसी आने में लगेगा, तो 2.5 से 3 महीने का प्रोसीजर मतलब डीएमसी हो गया। रजिस्ट्रेशन से क्या आता है वहां से? मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोसीजर, बता देता हूँ पहले आपको। आपने ये सब कर लिया, ठीक है, आपका स्क्रीन वो आ गया स्कोर कार्ड, उसके बाद आपको जाना है मतलब नेट पे डीएमसी की साइट है, उसमें दो आते हैं, एक परमानेंट और प्रोविजनल, आपको प्रोविजनल बनवाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए उसमें। चाहिए एक तो एक्नोलिजमेंट रिसिप्ट, वो एक्नोलिजमेंट रिसिप्ट ये डीएमसी के जो आप साइट पे पहले अप्लाई करोगे आप, तब निकलेगी। तो डीएमसी की साइट पे ये सब डॉक्यूमेंट मांगेगा, 10th 12th मांगेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, ये सब मांगता है। अच्छा वो डीएमसी सब आपको सबमिट के। कर देना है। हाँ, वो सब सबमिट कर देना है। तो डीएमसी से मैसेज, डीएमसी पे आपको आईडी बनाना पड़ेगा, आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा, हाँ होता है ना। जैसे आपने नेट पे सबमिट करोगे, डीएमसी का एक्नोलिजमेंट स्लिप निकलेगा, ओके उसके बेसिस पे पहले, अगर पहले जो सिस्टम होता था इंटरव्यू होते थे उसके बेसिस पे वो अलाउ करते थे एक्नोलिजमेंट के बेसिस पे, बट अब क्या प्रोसीजर अलग हो चुका है। तो आपको अप्लाई करना है, पहले एक्नोलिजमेंट स्लिप आएगा एक, वो अपने पास रख लेनी है। उसके बाद जब अप्लाई हो जाएगा ना, फिर आपको डेट आएगा कि आपने अप्लाई अप्लाई कर दिया है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, वो लेके आपको डीएमसी के ऑफिस जाना है। तो वो डीएमसी विल सेंड मी अ नोटिफिकेशन और अ मेल राइट, कि आपको इस टाइम पे आना है। नहीं, वैसे क्या रहता है, एक्नोलिजमेंट आ गया ना, उसके बाद मेल आएगा, या डायरेक्ट भी आप जाके ना सबमिट कर सकते हो ओके हाँ अपने डॉक्यूमेंट्स, ओके ठीक है। उनको आपने भर दिया ना ऑनलाइन, पता क्या होता है, जब आप नेट ऑनलाइन भरोगे ना, उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा आपको कब जाना है वहाँ पे अच्छा, अपॉइंटमेंट। बुकिंग हम खुद ही कर सकते हैं। मैं, हाँ, एक चीज़ और, मैं इसलिए कह रहा था जल्दी से जल्दी करना, पता क्यों, बहुत सारे बच्चे करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेट की मिलती है। तो मेरा मतलब समझ गया मैं। मैं चाहता हूँ, जैसे आपने पासिंग सर्टिफिकेट लिया भाई, शाम में कर दो, पता क्यों, आपको क्या पता 4 दिन बाद के अपॉइंटमेंट मिल जाए। अब समझो आप 2 दिन ले लिए, अपॉइंटमेंट बढ़ जाएगी 20 दिन, क्योंकि बच्चे अप्लाई करेंगे उस टाइम, तो क्या हाँ पता फिर आपको यहाँ भी 1 महीना वेट करना पड़ेगा। एंड लिस्ट ऑफ ऐसा है, अब सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे ठीक है, जल्दी कर अब देंगे, वो अलग चीज़ है। सभी एक टाइम सभी जल्दी कर देंगे तो सब पूरा क्योंकि पता क्या होता है, ट्रैफिक। अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, हाँ इसलिए समझ गया। हैंड टू हैंड करते हुए ना, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत कम बच्चों ने डीएमसी का वो भरा होता है, जैसे ही पासिंग आ रहा है तभी भरेगा ना। तो अगर आपका सपोर्ट आ गया, अगर आप लेट कर दोगे, डेली अराउंड 100 150 200 बच्चे कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, है ना, 1 वीक स्किप आगे आगे जाता रहेगा। आप अच्छा हल्का सा भी लेट करोगे, क्या पता अपॉइंटमेंट ही आपको 1 महीने बाद मिल रहा है, तो वो 1 महीना आपका वेस्ट है फिर, समझ ठीक गया। है ना। तो जब आप जब फॉर्म भरोगे ना डीएमसी का, एंड में ऑप्शन आएगा कि विश डेट और टाइम, टाइम भी आएगा, वो डेट जो चूज कर रहे हो। एक चीज और कहना चाहता हूँ भाई मैं, और बच्चे गलती ना करे, किसी बच्चों से हुई थी गलती, जो टाइम आप डीएमसी में लोगे ना अपॉइंटमेंट वाला, उसी दिन जाना, अगले दिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पहले ना बाद में। और अच्छा सपोज आपने मिस कर दी वो टाइम, हाँ, आपको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा फिर। 1 महीने बाद का, अगेन 1 मंथ, हाँ मतलब जो हाँ टाइम मिस नहीं स्केड्यूल्ड है करना। उसी पे जाए। और एक चीज और करनी है, एक और चीज, सारे डॉक्यूमेंट रेडी लेके जाना, अगर एक भी कम कर दिया वो आपको भगा देंगे, भगाया अगले दिन आओगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अपॉइंटमेंट लेके आओ, हाँ तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ले नहीं 1 महीने मांगे। बाद का। ये भाई गलती मत करना, सबको बताना चाहता हूँ।
मेरे से नहीं हुई थी, पर मैंने देखा था कुछ बच्चा आ रखे थे ना, उन्होंने सेम गलती करी थी। उन्होंने क्या करा था, किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जाओ अगली बार सबमिट कराना। उसने अगली बार कब आना है, कल, कल आ जाऊं, नहीं अपॉइंटमेंट लो। वो घर पे गया, कैफे पे खोला, नेट पे अपॉइंटमेंट मिला उसको 20 दिन बाद, तो फिर 20 दिन बेस्ट खराब। हाँ ये बात डॉक्यूमेंट सबको जो इतनी लेके जाने हैं यहाँ पे होती डीएमसी में। है। डीएमसी में आपको बताया था, एक तो हो गया ना एक्नोलिजमेंट रिसिप्ट, जब आप डीएमसी का साइट पे पूरे करोगे ना, उस पर लिखा होता है आपकी अपॉइंटमेंट कब है डीएमसी पे, ठीक है। ओके मेन तो ये हो गया। एक एफिडेविट है ना, वो उनके मूड के ऊपर है, किसी से लेते हैं किसी से नहीं लेते। हाँ एफिडेविट का एक जो फॉर्मेट है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, निकाल ठीक के। मेरे से नहीं लिया था, मैंने ना बनवाया था, बट अच्छा जो किसी से ले लिया था, किसी किसी से मांगते हैं किसी से नहीं उसके मांगते, मूड मस्ट उनके ही मूड पे मूड के ऊपर है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसको चाहिए होगा वो, बस मैं ये चाहता हूँ रिस्क मत लेना भाई, 100-150 रुपये लगेंगे, वो बनवा के ले जाना, हाँ क्योंकि फिर मैं बाद में चाहूंगा मैं बोलेंगे रिस्क ठीक लूँ, है बीस दिन नहीं। जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। और एक तीसरा होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक ओके है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट कॉपी जो आपको मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th की मार्कशीट, दोनों साइड पूरा स्कैन होना चाहिए, ओके ठीक है। सब सब ये जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ना, सब सेल्फ अटेस्ट करके ले जाने हैं, अच्छा हाँ ठीक है। 12th हो आई गया। अपलोड दिस, ये जो फोटो है यहाँ पे साइड में अपलोड कर दूंगा तो इजी हो जाएगा लोगों को देखने के लिए। हाँ मैं फोटो, दो फोटो मेरे पास, दोनों दे दूंगा। एक तो स्क्रीन के टाइम जो ले जाना है वो, और एक डीएमसी वाली मैंने आपको दी थी, मैं दोनों यहीं दे पे डाल दूंगा। दूंगा ना तो इजी रह जाएगा देखना। और बाकी एक ऑप्शन आता है, एक और चीज बता रहा हूँ, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डीएमसी का एक आता है। तो हम लोग के पास तो होता नहीं प्रोविजनल, हम तो प्रोविजनल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको हाँ ब्लैंक पेपर पर लिख देना नॉट अवेलेबल और अपलोड कर देना, अच्छा ठीक है। ये डीएमसी हाँ भरने ऐसा टाइप चलेगा। ना। हाँ डीएमसी भरने टाइप आएगा, काफी लोग पूछते हैं। ओ बाकी डिग्री आपके पास है, डिग्री के साथ है ना मार्कशीट मिलती थी, वो जरूर ले जाना। अच्छा ओके और ये मार्कशीट टेंथ है, टेंथ अपोस्टाइल रहता है, इलेवेंथ एक 12th तीनों ले जानी है ना। 10th और 12th मांगते हैं, 11th भी ले जानी है डीएमसी के लिए, तो वो चेक करेंगे ना, बायोलॉजी ली थी 11th में, 12th में ली है, ये भी चक्कर हुआ है, ये रूल आ गया था ना कि 11th में भी जरूरी है, ठीक है। ये भी ले जाना है, 12th हो गया। हाँ और हमारी जो एक यूक्रेन वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात हो रही थी, जो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मार्कशीट तो ले जानी है, डिग्री तो ले ली आपने, साथ में एक रहते थे पेपर जिसमें आपके मार्क्स होते थे सारे सब्जेक्ट के, हाँ वो जरूर ले जाना, ठीक है। ओके और ये सबसे पीछे एक अपोस्टाइल करके होता था, हाँ वो ले जाना। बाकी एक रहता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, वो एनओसी डीएमसी में हाँ मांगा नहीं मैं ये था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना था कि एनएमसी वाला एनओसी वाला। हाँ डीएमसी में नहीं लिया था, वो हॉस्पिटल्स में मांगा था अच्छा तो जब हम ड्यूरिंग इंटरव्यू दे रहे जब थे। आपका ये हुआ था ड्यूरिंग जब आपको बुलाया था डीएमसी में सारे डॉक्यूमेंट्स के उस टाइम एनओसी नहीं मांगते नहीं हॉस्पिटल्स जब मैं इंटर्नशिप स्टार्ट हुई हाँ थी। हाँ उन्होंने मांगी है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो इसलिए मांगते हैं कि ये बच्चा ठीक था भाई यूनिवर्सिटी में या शैतान था, कि हाँ ठीक है हम इसको रख रहे हैं जो भी है। पर डीएमसी में ऐसा कुछ नहीं मांगा था, ठीक है। अच्छा मैं उसका भी दिखा दूंगा, वो इजी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एनओसी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखा होता है। हाँ बाकी कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए सारी स्टैम्प के साथ, ओके ठीक है। और डीएमसी मांग सकता है वो, एक बच्चा मैं पता कर दूंगा, अब वैसे अभी जो बच्चे जाएंगे हम लोग, कोई मेरे सीनियर जाएंगे ना, डीएमसी से पता कर देंगे एनओसी चाहिए नहीं चाहिए, वैसे मांगते नहीं है, उन्होंने ना मेंशन कर रखा है, ठीक है। हाई लिस्ट में यूनिवर्सिटी वाले मांगते हैं, हॉस्पिटल वाले, बट ओके डीएमसी नहीं लेगा एंड आपका। ये जब डॉक्यूमेंट हो गया सबमिट करके आ गए देन तो ये आप अगेन जाओगे भाई, दोबारा बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को भी गलती मत करना, कुछ मत भूल जाना, वरना 20 दिन वेट करना पड़ेगा सेम चीज का। तो जैसे आप जाओगे, आपको सेल्फ टेस्ट करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट वो खुद चेक करते हैं, हाथों हाथ बता देंगे, कुछ कम है तो, अच्छा ठीक और है। भेज दें बार मार्कशीट के मैं बता रहा हूँ, मेरी क्या गलती हुई थी, मैंने मार्कशीट का लेके आता, उसमें 8-10 पेज होते हैं, आगे पीछे सारे ही फोटोकॉपी कराना, कुछ मत छोड़ना। मेरा 1-2 पेज रह गए थे, वो वापसी भेज दिया था, बट हुआ क्या था, पीछे फोटोकॉपी की दुकान थी, ओरिजिनल मेरे पास था, तो मैंने हाँ जल्दी से फोटोकॉपी करा के सबमिट कर दिया था। चलेगा तो अच्छा सपोज आपने आज सबमिट करा है, उसके 15 दिन बाद आपको मेल पे आपका डीएमसी आ जाएगा, प्रोविजनल आ जाएगा हाँ प्रोविजनल आ जाएगा 15 दिन बाद, उसकी एंड वैलिडिटी रहती है 1 साल, ठीक है। उस डी बट प्रोविजनल बट 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 उसमें भी एक चीज है, मैंने अभी गिरीश सर हैं जो सर से पता किया था डीएमसी में, उसमें आपको बताना चाहता हूँ, अगर कि एक्सपायर नहीं होता है, अगर आपकी सोचो इंटर्नशिप 8वें महीने में चालू हुई है, मेरा फरवरी में बना था ना, तो वो अपने आप रिन्यू हो जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है।
मतलब वो खुद ही वो वो टेंशन रिन्यू हो जाएगा ना, फिर से वो वो फॉर्म खुद ही ओपन रिन्यू हो जाएगा। हाँ उसका आपको लेना, आपकी इंटर्नशिप लेट हुई है तो ये थोड़ा आप दोबारा बनवाओगे, डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास है ना, एंड उन्हें ही नाउ पता, वो खुद ही अब लेट करते हैं डीएमसी वाले, प्रोविजनल प्रोविजनल आ गया, प्रोविजनल आ गया। हाँ आ गया एंड देन ओके, उससे पहले आप क्या सजेस्ट करोगे टू द स्टूडेंट्स, लाइक फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स इज बेटर टू वेट और टू गो टू सम अदर स्टेट एंड अप्लाई फॉर देयर मेडिकल देखो कॉलेज? अब है ना, पहले क्या होता था, अदर स्टेट में सीट्स खाली रहती थी, अभी भी खाली है ठीक है, बट वहाँ भी डोमिसाइल मांगने लग गए हैं, तो दिल्ली वालों के लिए भी दूसरी स्टेट जाना इजी नहीं रहेगा। जैसे मेरा दोस्त अभी जा रहा था देहरादून, गया था, वहाँ पे सीट्स खाली हैं, बट उसको बोला आप डोमिसाइल लेके आओ, डोमिसाइल तो है नहीं, तो हाँ वापसी आ गया। वापसी आ एक गई। और बंदा बता रहा पंजाब में एक प्राइवेट कॉलेज है, उसको वहाँ पे मिल रही है इंटर्नशिप, बट उससे भी डोमिसाइल मांगा है, तो वो तो था ही नहीं, तो वो फिर वापस आ गया दिल्ली ठीक है। वो भी शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है। तो ऐसा है कि अगर आप जाओगे भी, अब हर जगह डोमिसाइल मांगने लग गए, जब से न्यू रूल आया है एनएमसी का ना, 7.5% वाला, पहले नहीं होता था, तो अब इतना इजी नहीं है कि आप किसी भी स्टेट चले जाओगे। एक चीज़ और है, अगर किसी को पहले किसी स्टेट जाना है तो ये सब काम मत करना डीएमसी वाला, जिस स्टेट जा रहे हो उसी स्टेट का सीधा काउंसिल आप करना, यहाँ भी बनवा लोगे और जाना दूसरी जगह है तो फायदा नहीं है ना, फिर आपको क्या है डीएमसी से एनओसी लेना पड़ेगा फिर वेट टाइम ठीक है। तो ये मत करना कि बंदा आ रहा है यार, बनवा लिया डीएमसी में, अप्लाई कर दिया प्रोविजनल, फिर वो दूसरी स्टेट जाके भी कर रहा है, फिर एनओसी भी ले रहा है, यहाँ भागेगा। तो जिसको जहाँ स्टेट जाना है वहीं के लिए अप्लाई करो, यही है। और लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेट फॉर दिल्ली इंटर्नशिप, जैसे बहुत सारे साउथ के स्टूडेंट्स हैं वो वेट करते हैं कि दिल्ली में इंटर्नशिप मिल जाए, बट करने दो बट वेट। एज यू सेड कि जो न्यू रूल है उसमें वो डोमिसाइल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं बताता हूँ उसका क्या है। जैसे हम लोगों का हुआ था, जैसे प्रोविजनल आ गया, उसके बाद डीएमसी है ना, आपको उनकी साइट पे डीएमसी आपको बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि हम लोग अभी इतने इतने कॉलेजेस हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, अब दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस में हो रही है, टॉप कॉलेजेस में ये हो रही होंगी, नहीं, तो पहले आप जो मैंने पूछा कि अगर जो बाकी कोई बच्चे फ्रॉम साउथ जो आना चाहते हैं दिल्ली में, सो उनके लिए क्या मतलब वो आ भी सकते हैं। हाँ आ सकते हैं नहीं ना? वो आ सकते हैं, मैं रूल बताऊंगा उसका, 80-20 रूल है। एक रूल क्या है, 80% दिल्ली बच्चों को, मतलब अगर सपोज 10 सीटें हैं तो 8 सीट होंगी दिल्ली वाले दिल्ली, बच्चों की, दिल्ली ओके एंड डोमिसाइल, टू टू सीट्स होंगी अदर स्टेट्स की। आउटसाइड दिल्ली, उन 2 सीट्स को वो लोग लेते हैं मार्क्स के प्रेफरेंस पे। उसका कट ऑफ गया था 202 मार्क्स, इस बार दो सौ आपकी बार जाएगा दो 220। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिसके 200+ है वो ही एक्सपेक्ट कर रहे। देखो मैं सच ही बता रहा हूँ, बंदा वेट करता रह जाए, इसके 200+ है वो ही एक्सपेक्ट करे, जैसे दिल्ली में 100 सीटें हैं तो 80 तो मिलेगी दिल्ली डोमिसाइल, 20 सीट्स हैं आउटसाइड दिल्ली, उन 20 सीट्स में जिसके 200+ हैं वो ही वेट करे। अगर कोई 170-180 वाला, वो टाइम खराब होगा, मतलब वो कुछ नहीं है, सही बात। ये है उनके, एंड उनको मार्क्स के ऊपर लेते हैं वो लोग। तो ये जो आपने 80% रूल बताया फॉर दिल्ली, तो उनकी भी प्रेफरेंस लाइक उस पे है कि मार्क्स वाइज है कि उनकी प्रेफरेंस किसी और बेसिस पे? अच्छा देखो वो ना उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया था, बट मार्क्स तो है ही, मार्क्स मार्क्स है तो ही। फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो तो है ही है ही। 10+2 के मार्क्स भी वो लोग मांग रहे थे, वो डालते भी हैं 10+2 में कितने आए थे। हाँ वो भी कंसिडर मार्क्स करते तो नंबर वन हैं। प्रेफरेंस है दोनों केसेस में, दिल्ली में भी नॉन डोमिसाइल में। जैसे ओके क्योंकि सपोज आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप एक्सपेक्ट करोगे आपको सफदरजंग आरएमएल मेम्सी मिलेगा ठीक है। दूसरे तो अब उसमें होता क्या है, और बाहर वालों के लिए मार्क्स प्रेफरेंस है, बट मैं कहना चाहूंगा दिल्ली वालों सबको मिलेगा जो दिल्ली डोमिसाइल है ना डीएमसी। और तो एक बार होता, दूसरी स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो स्टेट है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ना आपको इंटर्नशिप, आपके मार्क्स कितने भी हो हाउ तो आप क्लियर ना। तो जो दिल्ली से है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वेट भी करेगा तो उनको मिलना ही मिलना है, पर बाहर वालों की गारंटी डीएमसी ने ही मना कर दिया था कि भाई अपनी स्टेट जाओ, हमें आके बार बार हमारे पास मत आओ, अपनी स्टेट में जाके बोलो कि आपको अगर कोई भी इशू है। हाँ पर दिल्ली डोमिसाइल का उनकी है, आप जाके उनको बोल सकते हो सर दूसरी स्टेट तो मेरे को एक्सेप्ट करेगा, तो आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बाहर वालों का ये जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो वेट करे, उसको उम्मीद है, ओके दूसरे बाकी दूसरे पे नहीं है पे नहीं है। ऐसा। हाँ देखो अभी भी नहीं हुआ ना, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे 170-180 वाले, वो लोग ठीक है बहुत अच्छे मार्क्स है, बट दिल्ली में नहीं मिल रहा ना इंटर्नशिप, क्योंकि उनका डोमिसाइल नहीं है, ये सही बात। प्रॉब्लम है। एंड तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो कि भाई मतलब दिल्ली जो भी, जो अपनी स्टेट में अप्लाई करो सबको मिलेगा, अपनी स्टेट्स में ना सबको इजी मिलेगा, जो भी जिस राजस्थान वाला राजस्थान में करे, यूपी वाला है,
उनको इजी मिल जाएगा उनकी स्टेट्स में, बट अगर वो दूसरी स्टेट आना चाहेंगे वहां पे थोड़ा टफ हो वहाँ सकता पे है, टफ टाइम भी होता वेस्ट हो सकता है, टाइम भी वेस्ट वाला है। बात है ना ये है। हाँ, सो डॉक्यूमेंट्स मतलब अब नाउ कि डीएमसी में अप्लाई हो गया, डीएमसी का प्रोविजनल आ गया, ओके, एंड यू ऑलरेडी मेंशन की क्राइटेरिया इज 80-20, 80 फॉर दिल्ली डोमिसाइल एंड 20 फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, करेक्ट। बट व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर गेटिंग इंटर्नशिप, की हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कैसे मिलती है? इज देयर एनी काउंसलिंग? और जैसे पहले होता था कि पहले आई न्यू कि आप खुद जाते थे टू गिव इंटरव्यू एंड देन उसके हिसाब से लेते जिसमें वैकेंसी आई, तो अभी का क्या सीन हाँ अकॉर्डिंग टू न्यू रूल जो अभी या अभी अभी वो क्या प्रॉब्लम क्या रहता था पहले, इशू यही आया था जब से एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आई, तो एक रूल आया था मतलब कि आप जहाँ कॉलेजेस हैं उन्हीं वहाँ से करोगे आप, 7.5% एक कोटा निकाला उन्होंने कि अच्छा जैसे इस कॉलेज में 100 सीटें वहाँ पे आप 8 सीट हो जाएंगी, एमएमसी में अराउंड 250 सीटें हैं जो आईएमजी पढ़ते हैं ना, हाँ 250 हाँ 250 नहीं 150 है शायद, हाँ 150 150 200 हो गए, 200 से 250 है अराउंड, तो 3 सीट्स हैं ठीक है, लेडी हार्डिंग में भी है, यूसीएमएस में भी है, तो पहले ये फर्स्ट टाइम लिया इन कॉलेजेस ने, पहले थे नहीं लिस्ट में ना ये कराते थे इंटर्नशिप। और जो एनएमसी का नया गाइडलाइंस था उसके हिसाब से स्टेट मेडिकल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अलॉटमेंट करना इंटर्नशिप, अब वो ओके कैसे भी करें वो उनको अलॉट करना है, खुद से करना है, तो उन्होंने फिर ऐसा प्रोसीजर निकाला है कि लोगों को मिल जाए ठीक है, तो उसमें अब प्रोसीजर ये होता है जैसे आपका प्रोफेशनल आ गया उसके बाद डीएमसी के साथ आपका रिकॉर्ड आ गया कि आपका प्रोफेशनल बना हुआ है, उसके बाद लिस्ट आती है कि भाई इस कॉलेज में जैसे इस बार या 7 कॉलेज थे इसमें इतनी इतनी सीट्स हैं ठीक है, आपको बस इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस कॉलेज ये कॉलेजेस हैं इनमें वैकेंसी आने वाली है इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद जैसे आपने आपने लिस्ट देख ली उसके बाद एक फॉर्म आएगा, मेल आएगा आपको, मेल सबको मिल पर्सनली जाएगा, मेल आते हैं। हाँ सबको पर्सनली मेल आएगा, या साइट पे एक फॉर्म मेरे को मेल आया था इंटर्नशिप अलॉटमेंट का तो आया था, उससे पहले भी आया था, हाँ मेल आया था, उसमें ये रहता है एक फॉर्म आएगा आपको फॉर्म फिल करना है ठीक है, सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स तो उनके इसी ऑलरेडी है, चीज नेम के एड्रेस, ओके हाँ हाँ इंटर्नशिप वो पहले आपको पहले वो कर देंगे, बताएंगे कि भाई इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट है मतलब इंटर्नशिप वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म आया फॉर्म आपने फिल कर दिया, फिर वो फॉर्म आपको लेके डीएमसी जाना है, उसमें प्रेफरेंस रहती है 3 कॉलेजेस देंगे, क्योंकि बच्चे से ही पूछेंगे ना कहाँ लेना, किसी किसी के साथ आपका घर एमएमसी के पास है ठीक है और आपको दे दें दूर तो वो भी दिक्कत है ठीक है, तो और आप चाहते हो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन डालो आपको मिलेगा, अच्छा ये फायदा है अच्छे मार्क्स का मिलेगा सबको, आपको अच्छा कॉलेज मतलब ठीक है जो आपको मतलब अच्छा लगता हो वो आपके हाँ ऊपर है, वो उसमें मिलेगा। सारे अच्छे, तो प्रेफरेंस 3 कॉलेज पूछते हैं वो लोग प्रेफरेंस के लिए ठीक है, 3 वो तो उस फॉर्म में रहता है, फॉर्म में नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ ये सब, 10th और 12th के मार्क्स ठीक है, फॉर्म में प्रेफरेंस करके आपको सेलेक्ट करके वो सबमिट कर लेंगे, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपको मेल आएगा सीधा कि भाई आपको एमएमसी मिल गया, यूसीएमएस मिल गया, लेडी हार्डिंग, आरएमएस, सफदरजंग जो भी है, कोई कुछ अच्छा नहीं करना, ना कि जाना है ना काउंसलिंग करनी है ना कोई इंटरव्यू देना है कुछ ना नहीं, किसी को फोन लगवाना है ना अप्रोच लगवानी है, मेरा लगवा दो ठीक सब है, खत्म, कुछ नहीं सब खत्म हो गया है ठीक है, एंड कोई पेमेंट सीधा पेमेंट एमएमसी और से इनकी पे सब कटरा खत्म, सब खत्म भाई, एमएलए पे जा रहे हो इधर उधर फोन कर कुछ नहीं फोन वो सब बर्बाद। पे, हाँ सब खत्म, अब सीधा डीएमसी डायरेक्ट वाला एक्सचेंज, मतलब वहां से वो आया कि आपके एमएमसी में लग गई, देन यू विल टेक योर डॉक्यूमेंट्स एमएमसी में एंड देन स्टार्ट इंटर्नशिप। हाँ सीधा मेल आया कि अच्छा मेरे को मतलब जो ये आया था बीच मेल का वो जो सेटिंग वेटिंग थी सब खत्म हो गया ए टू सब जेड। खत्म, वो अच्छा भी है कि ताकि सबको बच्चों को रहता था ना यार क्या पैसा है इसको मिल जाएगी पहले, मतलब इसके जुगाड़ हैं वो सब खत्म है ठीक है, आप पास हो डोमिसाइल है आपके पास तो आपको दिल्ली मिलेगा पहला ऑप्शन, आपके मार्क्स अच्छे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये आपको फायदा होगा, जो मतलब और फर्स्ट पहले प्रायोरिटी मेरी। एक और चीज बता रहा हूँ भाई, अभी जो पास आउट हुए हैं दिल्ली के ठीक है, वो किसी को बेकार लगे या कैसा भी लगे दिल्ली के वो अगर मतलब किसी के अभी कौन मार्क्स, से जो दिल्ली वाला बता रहा हूँ जो दिल्ली डोमिसाइल है पास हो, जो भी बच्चे पास हुए हैं दिल्ली डोमिसाइल है वो एक्सपेक्ट ना करे कि मार्च वाली वैकेंसी में उसको मिलेगा कॉलेज, कॉलेज मिलेगा बट अभी वाली में ना मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं भाई मिलेगा। इतनी सीट्स दिल्ली में, नहीं नहीं पहले मिलेगा जरूर, वेट करना पड़ेगा पर फर्स्ट टाइम में नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, जब मेरे को लगा था नवंबर में ना तो दो दो अटेम्प्ट के बच्चे वेट कर रहे थे, दिसंबर 21
और जून 22, उन्होंने प्रेफरेंस किया था दिसंबर 21 को, तो अच्छा, जून 22 वाले बैठे हैं, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जून अभी बाईस वाले अभी दिसंबर, तक बैठे हैं हाँ दिल्ली में इंटर्नशिप। दिसंबर 21 को दिया ना प्रेफरेंस, जिसका जिसका प्रोविजनल का टाइम कम होता जा रहा है, ये भी चीज मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे से बहुत बच्चों के मार्क्स अच्छे थे बट उनको नहीं मिला, क्योंकि मेरा प्रोविजनल नियर एक्सपायरी होने वाला था, ठीक है, तो उनको प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। अच्छा और एक काफी जितने साथ बच्चे कर रहे हैं, मैंने उनका भी देखा है, मेरे साथ जो भी कर रहे हैं ना एमसी में, ज्यादा वो उसमें ऐसा नहीं, जून वालों को मिलेगा ही नहीं, जून वालों को मिलेगा इसके मार्क्स अच्छे हैं, तो जून वालों को ठीक मिला है है। मतलब, लेकिन प्रेफरेंस है कि जिनके मार्क्स है उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। अच्छा हाँ, ये भी है। तो मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, ऐसे अभी है दिसंबर 22 वाले बच्चे ने कर दिया सबमिट, भाई देखो जून 22 वाले बच्चे ही वेट कर रहे हैं, तो अब जून 22 वालों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, दिसंबर 22 में उसको प्रेफरेंस मिलेगा जिसके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। सबको पॉसिबल नहीं है, इतनी सीट्स नहीं है दिल्ली में भाई, सफदरजंग है, ठीक है, आरएमएल लेगा नहीं मार्च तक, आरएमएल खुल जाएगा तो सबको लग जाएगा, पता क्यों, आरएमएल में 250 सीट्स हैं, तो एफएमजी कोई सीट बच्चा नहीं बचा। हाँ तो आपके टाइम पे अभी तक आरएमएल ओपन ही नहीं हुआ है मतलब आपके टाइम से, सीधे नहीं, लग गया था ना बीच में, मैंने इंटरव्यू दिया था आरएमएल में, हुआ स्ट्रेट नहीं टू था। फिफ्टी ले लेते हैं वो, स्ट्रेट टू हाँ, फिफ्टी 239 बच्चे लिए थे। तो अच्छा हुआ क्या है, अभी का सीनियर बता रहा हूँ, मार्च में अप्रैल में खत्म हो जाएगी आरएमएल में बच्चों की, अप्रैल में सीधा 250 सीट्स आएंगे, एक बारी में सारे बच्चे आ जाएंगे दिल्ली के, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ अभी के लिए, अगर मार्च अप्रैल में आती है तो, मतलब एक सीनियर ये भी था जो इस बार हुआ है बट अगली बार नहीं होगा, पता क्यों, क्योंकि एक बी आर अम्बेडकर में सीट्स हैं 109 बताया था, आरएमएल में 250 सीट्स हैं, ठीक है, और वो क्या उनकी खत्म होने वाली है जून में, हाँ मार्च अप्रैल मई में, आरएमएल की। हाँ, तो वैकेंसी सारी खाली जाएंगी 2 सिटी, तो डीएम दिल्ली को, दिल्ली के बाहर के बच्चों भी मिलेगी आरएमएल में आराम से, उसके अच्छा लिए तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मैं, पर एक बता दिया ऑप्शन, अगर आरएमएल थोड़ा आगे पीछे करते हैं उसके लिए, फिर दिसंबर, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था दिल्ली वालों सबको मिलेगी, बट ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, हाँ हर 3 महीने में वैकेंसी आती है, तो क्या होता है सेकेंड राउंड में मिले, ये कहना चाहता हूँ दिल्ली मैं। में कौन कौन से तो कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर हैं? एक तो मेरे को मौलाना साहब पता है, देन सफदरजंग है, आरएमएल है, बीआर अंबेडकर है, एंड कौन से है? यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस और लेडी है, सबसे ज्यादा सीट्स हैं आरएमएल में। लेडी हार्डिंग आरएमएल में सबसे ज्यादा है, अच्छा और एक और है हिंदू राव, वो तो सबको हिंदू सुना राव। होगा सब, हाँ ठीक है, उसमें 5 सीट रह गई है बस अब। तो आपके बैच के जो दिसंबर बैच के थे, जो दिल्ली के थे, उन सबका हो गया ऑलमोस्ट? दिसंबर वालों में, हाँ दिसंबर वालों का ऑलमोस्ट हो गया 90% का, 10% बच्चे रह गए थे। एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, सुन लो भाई, जो बच्चों ने गलती की थी, डीएमसी में जो अप्लाई किया था ना, फॉर्म आता है उसमें पूछते हैं आपके मार्क्स कितने हैं, गलती मत करना बिल्कुल भी, 1% किसी ने क्या करा था, उसको मिल जाए कॉलेज, वहां पे गलत मार्क्स डाल दिए थे, और उसको मिल भी गया, उसकी इंटर्नशिप भी चालू हो गई, एक महीने बाद उसको डीएमसी ने चेक करते हैं वो लोग, वेरीफाई उसको, फिर लेटर आया कि आप निकलो यहाँ से, टर्मिनेशन लेटर बाय। हाँ सीधा मेल आया, वो कॉलेज को ही अच्छा भेज दिया। हाँ हाँ, तो मतलब ये मैं नहीं बोला, जान पूछी गलती से भी हो जाती है कभी कभार, आप तो आपको मार्क्स एकदम करेक्टली डालने हैं, जो जो आपके रियल स्कोर है वही डालो, जो जो रियल में आए हैं। जो, ये नहीं कि मतलब एक बच्चा होता है कि यार मैं 200 डाल दूंगा तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अभी मिल जाएगी, तो वो हाँ चेक भी होता है सर, ये हुआ है 2 बच्चों के साथ अभी, बाकी अभी कुछ कुछ कॉलेज में सीट्स खाली हैं, एमएमसी में 4 सीट्स खाली हैं, और सफदरजंग में भी खाली हैं सीट्स कुछ एफएमजी कुछ, के मतलब चार दो सीट्स दो, खाली है ना? हाँ 2 सीट लेडी हार्डिंग ऐसे करके एंड दो दो 4 सीट्स खाली हैं अच्छा एंड ये व्हाट अबाउट स्टाइपेंड मिलती है वहां अभी, मना कर पे? दिया, डिनाई कर दिया कॉलेज ने सीधा, ठीक है, ना एकोमोडेशन दे रहे ना बट इन रेस्ट स्टाइपेंड, ऑफ स्टेट्स लाइक इन राजस्थान, उड़ीसा, इन बिहार, एमपी, हाँ वहाँ मिल रही है बट हर जगह वहाँ पे मिल होता रही है, है, सिर्फ दिल्ली में ही हाँ नहीं यहाँ होता, नहीं मिल रही है, नहीं चाहे कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं, और एकोमोडेशन भी नहीं दे रहे ना, 12 12 घंटे ड्यूटी रहता है, फिर कोई दूर से आ रहा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा तो कुछ ना भी पेमेंट एकोमोडेशन, नहीं है ना अकोमोडेशन है? अच्छा हाँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक्सपेक्ट ही मत रखना होगी यार, एक्सपेक्टेशन रहता है तो दिक्कत होती है, हाँ पहले एग्जैक्टली। की तरह एक्सपेक्ट मत करो एंड कि, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर पार्ट टाइम जॉब इन दिल्ली? कोई है वहाँ पे पॉसिबिलिटी कि इतनी इंटर्नशिप में देखो टाइम नहीं है? नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप सपोज सुबह 9 8 बजे आप घर से निकल रहे हो, 7:30 या 8 बजे, 9 बजे पहुंचे, 9 से 9 आपकी है, 4 बजे तक भी है, 6 बजे फ्री हो रहे हो, तो इतनी मेरे क्या हिसाब से ज्यादा नहीं बंदे को एनर्जी कि जाके कहीं और वो ड्यूटी, और कोई इतनी जल्दी दिल्ली में लेगा नहीं, क्योंकि आपको एक्चुअली
परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, भी नहीं नहीं आया है। है, हाँ खाली प्रोविजनल है, और ऊपर से एफएमजी। तो बंदा वही रहेगा कि मिनिमम परमानेंट आ जाए, कोई इशू नहीं है, आप बेशक इंटर्नशिप चल रहे पर परमानेंट तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्रोविजनल नहीं वैलिड रहता है हर जगह पे। अच्छा। तो और अगर आप कोई जॉब भी करोगे नॉर्मल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ भी सुबह 8 to 2, 8 to 3 रहता है या 3 to 9, वो दोनों अच्छा सीनियर आपको नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तो इंटर्नशिप में रहोगे तो पॉसिबल नहीं है, ओके ये नहीं हो ओके पाएगा, मुश्किल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा। बंदों को पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, सही जॉब तो बात। फिर दिक्कत हो जाएगी, सो आई इसलिए। थिंक दैट्स ऑल, इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन जो मैंने सोचे थे। इफ यू हैव एनीथिंग टू से, कोई फाइनल मैसेज जूनियर्स को देने के लिए, क्योंकि आपने मैं तो वो पूरा तो टाइम दूंगा, मैंने इंटर्नशिप करते बाकी हुए वेट करते हुए भी, तो कोई मैसेज देना चाहूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब अभी अभी जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, तो काफ़ी लोगों से, मेरे से भी थोड़ा गलती ये हुआ था, हम लोग इंटर्नशिप के चक्कर में एक तो जो फ्लो था स्टडीज़ का वो छोड़ दिया था, तो गैप ज़्यादा आ गया था, कि हम लोग वेट कर रहे थे कि अगला महीना अगला महीना अगला महीना, वो स्टडी गैप ज़्यादा रह गया था। उसके चक्कर में क्या होता है कि अब मतलब रिविज़न पहले जो रहती थी, आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो या आप हॉस्पिटल में भी जा रहे हो, आप खड़े हो, सर आके मेरे से पूछते हैं, अच्छा ये वाला इंडेक्स बताओ, रूल ऑफ टू बताओ, ये बताओ। तो एक चीज़ आपको जितना, अगर आपने रिवीजन की थी थोड़े टाइम पहले, पढ़ रखा है अभी तो सब फ्रेश है, बट मेरे में 3-4 महीने का गैप आया, तो मैं ये चाहता हूँ जितने लोगों ने अभी सब फ्रेश है तो उसको वैसे ही रखो रिवाइज। अभी 1 महीना समझ आता है, 1-1.5 महीना चलो चलेगा यार, इतना मेहनत किया था, उसके बाद कुछ भी आपके टॉपिक है इसको रिवाइज करते रहो, ताकि वो पूरा ब्लैंक ना हो जाए जो आपकी मेहनत भी है। क्योंकि बहुत बच्चों में हुआ, मेरे में भी हुआ है, कि काफ़ी ऐसा हो गया कि यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं कभी, ये इंटर्नशिप में तो चीज़ यूज आता ही होगा ना ये सब, आती है ना डेली, जितनी मतलब नॉलेज यार स्ट्रांग है वो आप तो ऑब्वियसली एडमिट तो आप बेनिफिट करोगे, होगा। हाँ आप वार्ड में जा रहे हो, आप एसआर के साथ घूम रहे हो, बोले हाँ ठीक है बताओ कौन कौन से अच्छा ये हुआ है डायग्नोसिस, क्या लग रहा है आपको, ये वाला इंडेक्स बताओ, ये वाला मेथड बताओ, अच्छा ठीक है पीए करना है, ठीक है, तो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वो जरूर वो सब। अगर आपने बीच में गैप कर दिया तो क्या आगे पीजी की तैयारी भी करनी है, ठीक है, तो क्योंकि ये मिस्टेक मेरे से खुद से भी हुआ था कि 3-4 महीने गैप आया, बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया था फिर 2-3 महीने बाद, बट गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे जो चीज़ें करी थी वो ब्लैंक हो गया। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है मज़े करो 1-1.5 महीना 2 महीना, बट जो ऐसे रिवाइज कर रहे थे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिसिन सर्जरी हो गया, एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई भी आता है, आप जब नॉर्मल है आप बैठते हो तो आप उसको नहीं बताओगे हाथ के नीचे हो रहा है इधर हो रहा है, आपको पार्ट का पता होना चाहिए कि इसको इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये है, ताकि जब आप हिस्ट्री बना रहे हो या कंप्लेंट ले रहे हो उसमें ये नहीं हेडेक लिखना, तो फ्रंटल ओसिपिटल टेम्पोरल नहीं, उसको स्पेसिफाई करना रीजन आपको, या कुछ भी हो रहा है, मतलब आपको जब भी आप कंप्लेंट चीफ कंप्लेंट ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से भी ये चीज़ें मैं भी मतलब वो करता हूँ, कि एक होता है हिस्ट्री बना रहे हो, अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी है ज़्यादा तो वो अच्छे से दिखती है, क्योंकि उसको पढ़ेगा एसआर, पेशेंट तो पढ़ेगा नहीं, एसआर लेख रहा है चोटी देख रहा है, तो जितना अच्छा आपका हिस्ट्री होगा तो और अच्छा, मतलब स्पेसिफाई होता है डिजीज़ है, हाँ, और आपके लिए भी अच्छा और आगे वाले भी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा यार, मतलब 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट कर देना रिविजन, जो भी पढ़ा है मतलब ब्लैंक ना हो मैं चलती है सर। बाकी। हाँ थोड़ी थोड़ी, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्ज़ाम देने वाली हाँ, थोड़ी थोड़ी एग्जैक्टली। रही, कि आपके आगे पीजी में भी काम आएगा, तो बाकी क्या कहते हैं इंटर्नशिप में तो आएगा काम, अच्छा रहेगा, पीजी की तैयारी तो चल, यही सही बात कहना चाहूँगा। बाकी भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी मेहनत की थी बच्चों ने, ठीक है, ओके। अब अप्लाई करो जल्दी जल्दी इंटर्नशिप के लिए, मिनिमम 3-4 महीने का एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा, तो वो दिमाग में रखना, हाँ वो ये ना हो कि बंदों को भी लग रहा हो जल्दी लगे। मैं दिल्ली का भाई देखो, मैंने जो भी आपसे डिस्कस कराया वो दिल्ली को ज़्यादातर देख के कराया, मतलब फोकस हाँ दिल्ली पे था, तो जो बच्चे दिल्ली में लेने वाले हैं एक्सपेक्टेड टाइम 3 से 4 महीने रखना, अभी बता रहा हूँ आपको भी, हम सबको जल्दी हो जाती है, ऐसे होता है ना कि मेरे को भी था जल्दी इंटर्नशिप लगे, तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, इसमें लग जाएंगे 3-4, और डीएमसी भी 1.5 महीना लेता है प्रोविजनल आने के बाद ना, पहले वो फॉर्म निकालेगा, तो फॉर्म जैसे आज फॉर्म आए तो 20 दिन तो ले लेगा लास्ट डेट का हाँ आ जाए, है ना, 20 दिन हो गए, फॉर्म भरा 7 दिन उसके बाद वो बताएगा, फिर उसके अलॉटमेंट आएगा, तो मिनिमम 1.5 महीना लग जाएगा उसमें, कितना भी जल्दी कर लो आप, ओके डेढ़ और डेढ़ 3 और 1, मतलब 3.5 4 महीने, ये तब होगा अगर सब कुछ फ्लो में रहेगा तो, कहीं एक डिस्टर्ब हुआ तो एक्स्ट्रा 1 मंथ हाँ तो आएंगे। 4-5 में चले जाएगा, तो इतना मतलब एक्सपेक्टेड टाइम आप दिमाग में रखना, 3 महीने आपको करना है वेट,
ठीक है, अगर 3 का 4 हो जाए तो वो नहीं होगा, पर अभी तो देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं जब तक ये सब ना हो जाए प्रोसेस, मैंने बताया था आपको डीएमसी का, उसके बाद तो फिर एकदम ओके है, इंटर्नशिप लग जाएगा फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके ठीक है थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड ठीक है, लेट्स होप सबके इंटर्नशिप लग जाए बाकी टाइमली। हाँ भाई जल्दी लग जाए अच्छी बात है, बाकी कोई भी डाउट रहेंगे आप पूछना मुझसे, ठीक है, ऑल कुछ राइट, डॉक्यूमेंट्स हैं इस टाइम मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, हाँ ठीक है, आई विल शेयर इट हियर, मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा उसके। श्योर श्योर श्योर, ओके थैंक यू, थैंक यू गुड भैया। बाय।